दोस्तों नमस्ते, जय माता दी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शोभा पारिम लोगों। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5 और अभी मैं जा रही हूँ पेड़ में, क्योंकि मुझे निकालने हैं राजमा के लिए जो लकड़ी लगाते हैं, झूड़ बोलते हैं हम वो, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा कम हो गए। मैं वो आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। तो पहले सबसे आप लोगों को पहले फूल अपनी जो बगीचा है छोटा सा वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला पिंक फ्लावर है और ये वाला जो है ऑरेंज ही है। और यहाँ पे देखिए ये फ्लावर्स भी बहुत प्यारे हैं, ये बहुत ये ना खुद ही होते हैं और ये बहुत प्यारा लगता है मेरे को। ये काफ़ी टाइम तक रहता है और बहुत सारे पौधे लगा दिए मैंने इसके। और ये यहाँ पे भी फ्लावर्स, यहाँ पे मेरा पिंक रोज, ये देखिए बहुत प्यारा हुआ है ये वाला। तो चलिए आप लोगों को अब नीचे ले चलते हैं। आज यहाँ पे पत्तों वाले फ्लावर्स, खेत में मैंने कुंदी लगाई है और कुंदी में मैंने लकड़ियाँ लगा दी है बट थोड़े से कम हो गए। और यहाँ पे राजमा लगाए हैं, राजमा में भी थोड़े से लगाए हैं बट कम हो गए हैं। तो अभी मैं इस वाले पेड़ में चढ़ूंगी और दीपू मेरी वीडियो क्लिप बनाएगा। सो गाइस अभी उतर चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत क्या हुई है। नज़दीक से दिखाना, थोड़े पसीना हो गया हुआ ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है और बारिश भी हो गई स्टार्ट। तो अभी बकरियाँ खा देगी घास, अगर कल तक मैं लगाऊंगी फिर लकड़ियाँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज इसके बाद मैं घास काटने लग गई और दीपू मेरी वीडियो बना रहा था और बारिश भी लग गई थी तो घास नहीं काटा था सुबह, तो थोड़ा सा घास तो काटना ही पड़ना था गाय के लिए। गौशाला की तरफ, क्योंकि टाइम भी हो रहा है तो सोचा चल पड़ते हैं आराम आराम से। तो चलिए अभी चलते हैं और रास्ते का थोड़ा सा व्यू शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सो गाइस अभी भी लगी है थोड़ी थोड़ी सी बारिश, हल्की हल्की सी, तो अभी चल पड़ते हैं। और सो गाइस अभी आई हूँ गौ मिल्किंग करने और अभी मैं गाय से दूध निकालूंगी। अभी गाय के नीचे बैठ गई हूँ मैं और सभी बोलते हैं कि गाय लात नहीं मारती है, सच में नहीं मारती है, ये देखिए। तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ उसके साथ साथ, तो फटाफट से करते हैं गौ मिल्किंग और फिर चलते हैं घर की तरफ। चलते हैं घर की तरफ। और इनकी यहाँ पे लड़ाइयाँ लगी थी नहाने के लिए, ये दोनों जिद कर रही थी हमने अंदर वाले बाथरूम में नहाना है, तो ये देखिए इनको शर्म ही नहीं है। हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं बोर हो रही थी और आज है सेकंड डे। तो कल मैंने वो दिखाया आप लोगों को जब मैं पेड़ में चढ़ी थी और अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश और सोच रही हूँ कि आज कुछ किया जाए क्या, मतलब रील्स बनाने की सोच रही थी, तो साथ में वीडियो भी बना दूँगी, वीडियो शूट करूँगी और रील्स में मैं शरारा सूट डालूँगी जो मैंने अभी तक इतनी बार नहीं डाला है। तो चलिए करते हैं थोड़ा सा मेकअप। तो फाइनली गाइज आई एम रेडी फॉर शूट। तो जितना भी हो सका मेरे से वो मैंने मेकअप कर लिया,
तो चलिए थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाते हैं, वो भी करूँगी शूट। कहाँ पे बनाऊँगी रील्स, तो चलिए दिखाते आप लोगों को बाहर का व्यू और साथ में मेरी रील्स कहाँ जैसे बनेगी। कुछ किया मन करने का तो आज कर लिया, कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में जरूर बताना। और ये मेरी इयर रिंग और ये नेकलेस बहुत पहले लिया था, पुराना हो गया बेचारा रख रख के। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। हनी बनाएगा मेरी रील्स, चलिए। तो गाइज यहाँ पे हम बना रहे थे रील, तो सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे घास बहुत अच्छे से हुआ है और हम यहाँ पे रील्स बना रहे थे, तो सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं और फोटो भी करेंगे शूट, आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो गाइज थोड़ी सी बनाएंगे हम यहाँ पर रील्स, और ये हमारे फ्लावर बहुत प्यारे हुए हैं, तो सब चैन के साथ ही करते हैं, थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर है ये, फोटो ले लो। इस रील्स का कार्य हो गया है हमारा समाप्त फिनिश, तो अभी दिबु और हनी जा रहे हैं अपने बुआ के घर, तो इनको बस में बैठाना है मुझे, और मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा रील्स और मेरी ड्रेस और मेरा जो भी है अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। खुश है आज ये अपने बुआ के घर जा रही है, क्योंकि पूरी छुट्टियाँ इनके घर में ही बीती है। नानी के घर नहीं लेते हमको, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता बिल्कुल ख़राब है और डर भी लगता है पहाड़ों में जाने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं हम। पहले आप लोगों को मैं भूल गई थी, शानू साजा मतलब चिडनू साजे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारी हिमाचली की जो संक्रांत होती है, तो हनी और दीपू अपने बुआ के घर गए हैं चिडनू साजे के लिए। मैं यहाँ पे अकेली हूँ, खाना बना रही हूँ और हस्बैंड जी का वेट करूँगी। खाने में मैंने बनाई है सोयाबीन की खिचड़ी, क्योंकि हस्बैंड जी तली हुई रोटियाँ बहुत कम खाते हैं, तो मैंने सोचा अकेले मैं क्या करूँगी खा के, तो जो हस्बैंड जी को अच्छा लगता है मैंने वही बनाया। मतलब उनकी फेवरेट तो खिचड़ी है, तो मैंने खिचड़ी बनाई। अभी मैंने दूध वगैरह उबाल दिया है और खिचड़ी को पकने के लिए रख दिया है। सोयाबीन पका दी थी, अभी तड़का डाल के चावल डाल दिए है, तो एक मिसल आ भी गई है। तो करती हूँ वीडियो का एंड, आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।